स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेडोरे डॉक्टर में। और आप जो मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्टमाइजर का कंक्रीट पंप है 1404, इसके बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू में जो मैकेनिकल हेड होते हैं कंपनियों के अंदर वो क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या जानकारी मांगते हैं, तो उसी पर बताने वाला हूँ। क्योंकि एक राजपूत भाई ने मेरे पास कमेंट किया था और फ़ोन भी किया था उस बंदे ने कि सर मेरे को थोड़ा सा ये बताएं कि इंटरव्यू में आखिरकार क्या क्या पूछा जाता है। तो ये ऑपरेटर हैं, इसको जो चलाते हैं ये भी बताएंगे थोड़ी जानकारी, बाकी मैं बताऊँगा कि भाई इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप जो है गेज देखेंगे ऑयल का, तो गेज ऑयल का देखने को मिला होगा आपको स्क्रीन पे। ये देखिए मैंने गेज निकाल लिया बाहर, ये गेज चेक करेंगे आप। तो ये चीज़ें आपको मैकेनिकल हेड को बोलना है कि सबसे पहले हम ऑयल चेक करते हैं, और ऑयल जब हमारा पूरा होता है तब हम आगे जो है की कंडीशन देखते हैं कि हमारा हाइड्रोलिक टैंक के अंदर है या नहीं है। सारे लुब्रिकेंट जितने भी हैं सभी चेक करने पड़ते हैं आपको दोस्तों। तो लुब्रिकेंट चेक करने के बाद में उसके बाद में आप क्या करेंगे कि वो जो बंदा पूछेगा कि आप ये बताओ एक मिनट में आपके कितने स्ट्रोक लेता है पंप, ये चीज़ पूछेगा आपसे। ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि वो बंदा कहेगा कि आपका एक मिनट में कितने स्ट्रोक लेता है, तो आप बताएंगे 24 स्ट्रोक लेगा। आरपीएम बोलेगा आरपीएम कितने रखने हैं, तो आरपीएम आपको बताने हैं 2100 आरपीएम। नोट कर लें आप कहीं पर, अगर आपको नोट करना है तो 2100 आरपीएम रखने हैं इस पर, और 24 स्ट्रोक एक मिनट में मारता है ये। और उसके बाद में आपकी जो सर्विस होती है, ये जो नॉर्मल सर्विस होती है, तो वो आपकी फर्स्ट सर्विस को छोड़ करके बाकी सब 500 घंटे पे होती है। टोटल 500 घंटे पे सर्विस करेंगे तो इंजन हमेशा लाइफ टाइम बढ़िया रहेगा। और ये ऑपरेटर है, थोड़ा सा मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, 500 घंटे पे ये भी बता रहे हैं कि 500 घंटे पे सर्विस होनी चाहिए। 500 घंटे पे हर सर्विस आप 500 घंटे पे करें। हाइड्रोलिक की सर्विस जो है आपकी 3000 से लेकर के 4000 तक ले जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा कोई मजबूरी फंस जाए तो 5000 तक चला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना चलाएं आप, क्योंकि हाइड्रोलिक की भी उसमें मॉइस्चर बन जाता है। तो हाइड्रोलिक की सर्विस भी 5000 से ज़्यादा ना बताएं उसकी उस बंदे को। वैसे 3000 नॉर्मल से शुरू होकर के 5000 तक आपकी मैक्सिमम पहुँच जाती है, इतने पर आप हाइड्रोलिक चेंज कर दें। दूसरी चीज़ इंजन ऑयल की सर्विस तो आपको मैंने बता दी, 500 घंटे पर आपको करनी है। 500-600 हो जाएंगे, लेकिन 600 को ऊपर ना करें आप, क्योंकि इंजन जो है अगर आपको बढ़िया लाइफ लेनी है। और दूसरा चीज़ ये, इसको स्विच को ऑन करने से पहले हम उसको बताएंगे कि सर हम इसमें वाटर बॉक्स के अंदर वाटर टॉपअप है या नहीं है, तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए ताकि हमें रैंप जो है ड्राई ना चल जाए, सूखे ना चल जाए, इसलिए हमें इसमें पानी भरना होता है। आपको पानी भरना चाहिए? बिल्कुल, बोल रहे हैं कि पानी जो है ज़रूरी है, पानी भरना चाहिए। और मेरा भी अपना मतलब जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वाटर बॉक्स में आप पानी जरूर भरेंगे। और जो भी बंदा सवाल करेगा आपसे कि वाटर बॉक्स में पानी क्यों भरा जाता है, तो आप जो है उसको बता दें कि आप जो रैंप की लाइफ आगे लेने के लिए अगर आप सूखे ड्राई रैंप चलाएंगे तो आपके रैंप ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए आप पानी चलाएंगे उसके अंदर तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठंडे भी रहेंगे और बढ़िया रहेंगे। दूसरी चीज़ फिर हम आ जाते हैं दोस्तों डिस्प्ले पर। डिस्प्ले आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, ये आपका जो मीटर है प्रेशर वार 3000 से 3500 रखेंगे, ये बहुत बेस्ट रहेगा। ये बंदा ये जब सवाल करेगा कितना प्रेशर रखना चाहिए पंप में, तो आप इसका जो है बता दें कि 3000 से 3500 नॉर्मल रहता है, और ये बहुत ही बेस्ट रहता है। और बाकी सारी जानकारियाँ जो बंदा चलाता है वो उसको डिस्प्ले पे मिल जाती है कि भाई हमारा मतलब जो कितने आवर्स हो चुके हैं, कब इसकी सर्विस की थी हमने, लॉग बुक अगर आप मेंटेन करते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी जो है इसमें और कोई खास चीज़ नहीं है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर पीछे, थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ इसका। तो रेस वाल्व में क्या करना है दोस्तों, आप जो है 10000 MQ कंक्रीट जब आप कर लेंगे, तो मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। जब आप 10000 MQ कंक्रीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कटिंग रिंग देखने को मिल रही होगी, वो देखिए कटिंग रिंग मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि कहाँ है आखिरकार कटिंग रिंग देखने को मिल रही होगी। ये देखिए दोस्तों फ्रंट पर है आपके, तो इसको आप 10000 MQ कंक्रीट पर ज़रूर घुमाएंगे। तो इसका क्या है कि जब आप बॉल पास करेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी और बहुत बेस्ट रहेगी, तो इसलिए आप इसको 10000 MQ वो कंक्रीट पे इसको जब आपको घुमाएंगे तो आप उस बंदे को जो आपसे सवाल करता है इंटरव्यू में, तो बोलना कि 10000 MQ पर हम इसको भी घुमाना पड़ता है। और इसको घुमाने के लिए जिसको जानकारी होती है वो बता देता है कि हमने इस तरह से काम करना होता है। और बाकी अगर किसी को कुछ नया चाहिए, कुछ नई जानकारी चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी राजपूत भाई हैं, उन्होंने कहा था कि भाई साहब मुझे इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा जाना है, तो इंटरव्यू के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो ये आप पोस्टमाइजर का कंक्रीट पंप देख रहे हैं 1404 HD में है, और बहुत अच्छी फोर्स है इस पंप की। और आप जो है इस तरह की ये पंप जो लगभग पंप की सबकी जानकारियाँ एक ही हैं, जो मोस्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है, आप कभी भी ये जो ग्रीस की लुब्रिकेशन है इसके बारे में ही बताएंगे कि हमें ये जो जार है ग्रीस का
इसको हमें हमेशा टॉप अप रखना चाहिए। और ये उस बंदे को भी बताएंगे आप जो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, तो कीजिए ऐसा है ग्रीस भी और टॉप अप कर रखें ताकि पंप जो है कभी भी ड्राई ना चल जाए। कुछ और जानकारी है आपके पास में? जानकारी पूरी है। अच्छा, फुट माइजर का जिसने पंप चला लिया वो और कोई पंप चलाएगा नहीं, ये बोल रहे हैं। पोस्ट माइजर का पंप इतना शानदार है कि इस पर जब हाथ बैठ जाता है बंदे का तो बहुत ही बेस्ट रहता है, मेरा भी यही मानना है। और बहुत शानदार पंप है ये, तो भाई चला रहे हैं तो इसको, इनको तो पता है कि पंप की जानकारी इनको काफ़ी है, बहुत अच्छी नॉलेज है, काफ़ी सारे काम अपने हाथ से कर लेते हैं ये। जब ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है तब जाके इंजीनियर की हम सलाह लेते हैं, बाकी हम अपने हाथ से करते हैं काम सारे। और बाकी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हम आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों एक मोस्ट जानकारी वो ये है कि डीजल की एवरेज ज़रूर पूछेगा वो बंदा कि डीजल की एवरेज क्या होती है पंप की। तो डीजल की एवरेज आप दोस्तों बताएंगे 2.5 से लेकर 4.5 लीटर तक चला जाता है, क्योंकि आपकी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइन कितनी लंबी है। तो आपकी ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो क्या होगा कि आपका डीजल की जो है कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो आप 2.5 लीटर से लेकर 4.5 लीटर तक आपके ये पंप में जो है डीजल की कंजप्शन रहती है। और बाकी जो है रैंप में आपका घोला आ जाता है तभी हम रैंप चेंज करते हैं, इससे पहले हम चेंज नहीं करते। बाकी ये तो सीधी सब जानकारियाँ। और बाकी खुश रहिए, मुस्कराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।